हाय एवरीवन, आइए समझते हैं सॉलिड एंगल क्या होता है। अगर हम लोग कोई एक स्फीयर कंसीडर करें तो स्फीयर की सरफेस पर अगर हम लोग एक छोटा सा एरिया कंसीडर कर लें तो ये एरिया अपने सेंटर पर जो एंगल बनाता है इस एंगल को हम लोग ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा सॉलिड एंगल होता है। सरफेस पर माना हुआ जो एरिया है अगर वो डेल्टा ए के बराबर है तो सॉलिड एंगल इज इक्वल टू दैट एरिया डिवाइडेड बाई स्क्वायर ऑफ द रेडियस। इसका यूनिट होता है स्टेरेडियन। और अगर आपसे कहा जाए कि 1 स्टेरेडियन को डिफाइन करो तो इसका सिंपल मतलब है 1 स्टेरेडियन इज द सॉलिड एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर बाई द सरफेस ऑफ द स्फीयर विच इज इक्वल टू इन एरिया टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ द स्फीयर। यानी कि सरफेस एरिया अगर स्क्वायर ऑफ रेडियस के बराबर हो तो वो सरफेस एरिया जो सेंटर पर एंगल सबटेंड करेगा वही हमारा 1 स्टेरेडियन होता है।